لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين جب کوئی ایسا واقعہ ہو جائے اور ایسا انسانیت کی تاریخ میں کم ہی ہوا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جو کائنات جو دنیا کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک اثر انداز ہو اور اس کی اثر اندازی بھی جو ہے وہ یونیفائیڈ ہو یعنی خوفناک واقعہ ہے تو دنیا بھر میں خوف پھیل جائے خوشی کا واقعہ ہے تو دنیا میں ہر شخص خوش ہو جائے وہ بھی جس نے وہ خوشی تجربہ کی ہے وہ بھی جس نے وہ خوشی صرف دیکھی اور سنی ہے تو یہ جو واقعہ آج کل چل رہا ہے پچھلی مرتبہ میں دو تین نشستوں میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہے کہ ہم چیزوں کو دیکھنے کا جو ہمارا یعنی ہمارے دین کا دیا ہوا کلی پرسپیکٹیو ہے چیزوں کو ان کی گاڈ گیون ڈیفینیشن کے ساتھ دیکھنا اور پھر چیزوں کو مفید ایمان بنانا یعنی چیزوں کو چیزوں سے اپنے تعلق کو چیزوں کے بارے میں اپنے غلط صحیح ہر طرح کے علم کو مفید ایمان بنانا یہ مسلمان کی فطری ذمہ داری تو اس پہ میں تفصیل سے پچھلی دو تین نشستوں میں عرض کر چکا ہوں آخری کسی نشست میں سوال یہ اٹھایا گیا تھا کہ اس عالمگیر بلا کو مصیبت کو کئی لوگ مختلف تناظر سے دیکھ رہے ہیں یعنی جو خدا کو نہیں مانتا وہ اس واقعے کو خدا کو نہ ماننے میں اپنے حق اپنے صحیح ہونے کا ثبوت بنانے کی کوشش کر رہا ہے خدا کو ماننے والا تو ظاہر ہے کہ خدا کو ماننے کے لیے اس واقعے کو ایک بڑی آفاقی دلیل بنا رہا ہے تو ہمارے یہاں بھی بدقسمتی سے ہمارے یہاں بھی یعنی کہ وہ مسلم اکثریتی معاشرہ اور دین کے بارے میں ایجابی رویہ رکھنے والوں میں بھی ایک تصادم اس پہلو سے جاری ہے ایجابی رویہ رکھنے کا مطلب ہے کہ سب مسلمان ہیں سب دین کو مانتے ہیں
लेकिन ये कि दीन का जिंदगी में क्या किरदार होना चाहिए, इस पर इख्तिलाफ है। तो इनमें भी एक तसादुम और एक मुबायसे की कैफियत है। और जैसा कि हम सब अपने अपने मुशाहदे और तजर्बे से भी जानते हैं कि जदीदियत का असर हमारे तसव्वुर दीन पर और हमारे ताल्लुक बिल्लाह पर भी पड़ा है। जैसे कि जदीदियत का वतीरा है, ये जो प्रोजेक्ट ऑफ एनलाइटनमेंट है उसका एक शेवा है, उसकी एक रविश है कि वो जिंदगी से लाताल्लुक चीजों के बारे में इनकार या इकरार का रवैया इख्तियार करने की मुकम्मल आजादी देता है। तो खुदा जो है उसे जिंदगी से लाताल्लुक करने में अगर इन लोगों को कामयाबी हासिल हो जाए, और जो अपनी दानिश में एक बड़े हिस्से में इन्हें हो चुकी है, तो ये एक लाताल्लुक और गैर मुअस्सिर खुदा के इनकार और इकरार में कोई फर्क नहीं करते। इनकार की भी आजादी है, इकरार की भी आजादी है। जैसे ये कि मुझे एक पिंजरे में बंद करके ये आजादी दे दी गई कि यहाँ तुम अपनी हमदें गाते रहो, लेकिन तुम्हारे गाने की आवाज पड़ोसी के आराम में खलल ना डाले। तो जदीद दुनिया ने मजहब को जो एक रूमानवी सी रियायत दी है, खुदा को मानने और ना मानने दोनों को एक यकसा दर्जे की इररेलीवेंट एक्टिविटी बना के रख दिया है, उसका असर जो है वो हमारे यहाँ उन तबकात में भी बहुत नुमाया है जो खुद को वाकई मुसलमान समझते हैं। मतलब वो किसी जबर के तहत खुद को मुसलमान नहीं कहलवाते, बल्कि ये कि वो संजीदगी से खुद को मुसलमान समझते हैं, लेकिन शायद नादानिस्तगी में उनका इस्लाम अपने तमाम उसूलों मबादी और अपने तमाम मुजमल मुफस्सल के साथ उसी माहियत में ढल चुका है जो माहियत मेटाफिजिकल मबाहिस को, अदियान को जदीदियत ने दे दी है। तो ये लोग किसी भी हंगामी सूरत हाल में दीनी मौकफ इख्तियार नहीं कर पाते। तो ये हमेशा उन तबकात की हम नवाई करते हैं, यानी कि अपने मुसलमान होने की पोजीशन छोड़े बगैर उन तबकात की नुमाइंदगी करते हैं जिनके जहन और तबीयत की तामीर में दीन का अव्वल तो कोई किरदार है नहीं, और अगर है भी तो वो ना मतलूब है, वो नागवार जबर की तरह है। तो इसमें मैं एक बात अर्ज करना चाह रहा था इस पस मंजर में, क्योंकि मुकम्मल वाकया किसी भी मुकम्मल नजरिए की ताईद में सर्फ हो सकता है। पहली बात ये कि एक वाकया तजरबी एक आलमगीर तजरबी इकाई बन गया हो, तो इस तरह का हमगीर वाकया उन तमाम सही या गलत किस्म के नजरियात का मुसद्दिक बन सकता है, तस्दीक करने वाला बन सकता है जो अपने अपने गुमान में अपने अपने दावे के मुताबिक जिंदगी की कुल्लियत का इहाता करते हैं, जो जहन
और शय के से बनने वाले यूनिवर्स का डिफाइनर, सोल डिफाइनर बनने का दावा रखते हैं। तो ये अचंभे की बात नहीं है कि इस तरह के तमाम होलिस्टिक नजरियात वो इस वाक्य से अपनी सच्चाई के कुछ नए शवाहिद दरियाफ्त करके दिखा रहे हैं। तो हमारा मसला ये नहीं है, क्योंकि ये एक हॉरिजॉन्टल स्कीम ऑफ थिंग्स में कुल का मुकाबिल कुल रिलेट कर जाता है। यानी एक जैसे जमीन से लगे हुए वाकयात में जिनका रुख जमीन के एक पोल से दूसरे पोल तक हो और उस जमीन को आसमान के साए से बाहर माना जाता हो, उस जमीन ही को शऊर और वजूद के का इहाता कर लेने वाला वाहिद दायरा माना जाता हो, तो वहां कानून यही होगा कि कुल्ली वाकया कुल्ली नजरिए से मैच करेगा। यानी कुल कुल्ले वाकई के मुकाबिल कुल्ले नजरी अपनी रेलिवेंस, अपनी जस्टिफिकेशन आसानी से क्लेम कर सकेगा, आसानी से एक्सप्रेस कर सकेगा। तो हमारा ये मसला ही नहीं है कि इस वाक़े की तहलील और इस वाक़े से ऊपर उठे बगैर इस वाक़े के बतन में छुपे हुए हकायक, इम्कानात वगैरह किस नज़रिए की सदाकत पर ज़्यादा शिद्दत के साथ गवाही दे रहे हैं या किस नज़रिए से ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन हो रहे हैं, हमारा ये मसला नहीं है। हम चीज़ों को उनकी इंडिविजुअल और यूनिवर्सल ट्रांसेंडेंस के बगैर देखते ही नहीं हैं। हम दुनिया को हद्दे इल्म और हद्दे वजूद बनाकर देखने के आदि ही नहीं हैं। तो अगर इस एक कमरे या इस एक घर के अंदर मौजूद चीज़ों की तरतीब बदलती जाए और उस तरतीब पर कोई भी नज़रिया उसका इंजीनियर और डिज़ाइनर होने का दावा करता फिरे, तो हम उससे बिल्कुल लातअल्लुक़ हैं। मतलब ये कि वो हमारा बुनियादी मसला नहीं है। हमारा बुनियादी मसला ये है कि हम हर हॉरिजेंटेलिटी को, हर जमीनी वाकये को आसमानी पर्सपेक्टिव से देखेंगे, एनालाइज करेंगे और उस पर काबू पाने या उससे हमाहंग हो जाने का फैसला करेंगे। लेकिन इस तमाम फैसले की असास उस उमूद पर है जो हमें हमारे दीन ने फराहम किया है, उस समावियत पर है जो हमें अल्लाह की किताब ने दिखाई है। तो आप समझ रहे हैं ना, तो इन झगड़ों में ना पड़ें कि वो वायरस है और वायरस की ये तहलील है, वायरस का ये इलाज है, ये दुआएं तुम करते रहो, वैक्सीन वो निकालेंगे, इस तरह की तरह तरह की भांत भांत की बोलियां बोली जा रही हैं। तो इसमें खुद को उलझाने या इसमें ट्रैप होने की जरूरत नहीं। हम ये कहते हैं कि तुम एक वाक्य की एक तौजीह करते हो, हम उस तौजीह को उसकी असास फराहम करते हैं। मतलब ये कि तुमने कहा कि वायरस पैदा होने का सबब फुला है, फुला माहौलियाती सबब है, फुला ये सबब है, यानी तमाम असबाब जमीनी। तो इस वायरस का जो सबब तुमने बताया हो सकता है दुरुस्त हो, जब अगला वायरस कोई आएगा तो उसका भी क्या यही सबब होगा?
उसका सबब जाहिर है, तुम फिर दूसरा कोई सबब बताओगे, मुमकिन है वो भी दुरुस्त हो। तो तुम 10 वाकयात के 10 सही असबाब बताओगे, तुम 10 वाकयात का एक सबब नहीं बता सकते। या तुम इस दुनिया में वुकू पजीर होने वाली चीजों का एक सबब नहीं बता सकते, वो हम बता सकते हैं, हम जानते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना, तो हमारा जो पूरा नुक्ते नजर, नुक्ते नजर का लफ्ज ठीक नहीं है, मतलब हमारा जो पूरी पूरी परसेप्शन, हमारा पूरा टोटल पर्सपेक्टिव चीजों को अल्लाह के हवाले से देखने का है, चीजों को अल्लाह से मंसूब हालत में देखने वाला पर्सपेक्टिव है। तो ये अल्लाह है जो चीजों को उनकी ट्रांसेंडेंस से, उनके ट्रांसेंडेंट उसूलों से ऑर्गेनिकली मुताल्लिक रखता है। तो इस मौकफ पे खड़े रहें, ये आजमाइश है ये हमारे लिए, मतलब हम कोई और इस्तेला ना इस्तेमाल करें तो इसमें कोई शुबा नहीं है कि ये बिलउमूम सब इंसानों के लिए और बिलखुसूस मुसलमानों के लिए, अल्लाह को मानने वालों के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश है। तो इस आजमाइश की नौइयत और माहियत को दुरुस्त तरह अगर नहीं समझेंगे हम, तो मुमकिन है कि किसी वैक्सीन के आ जाने से ये आजमाइश अपनी इस फॉर्म में टल जाए, लेकिन टल जाने के बावजूद इस आजमाइश में हमारी नाकामी हमारी आखिरत को बर्बाद कर सकती है। यानी ये तो हो सकता है कि ये आजमाइश टल जाए और दुनिया में जो तबाही और दुनिया में जो फना और मादूमियत का खतरा हम अपनी अपनी जात के लिए देख रहे हैं वो टल जाए, लेकिन दुनिया में अपनी जिंदगी के 10, 20, 40, 50 बरस बचा लेने के बाद हम अपनी हयाते अबदी के मुस्तकर को अपने हक में वीरान कर सकते हैं। तो इसमें सबको, क्योंकि ये अब मजलिस इस वक्त, क्योंकि आज की मजलिस बहुत ज्यादा इल्मी अंदाज की नहीं होती, ये हम आपस में एक दूसरे के काम आते हैं इस्लाम में, तो इसको ज्यादा इल्मी रंग दिए बगैर मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह से वफादारी, अल्लाह के दीन पर साबित कदमी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ महज कानूनी नहीं बल्कि रूहानी, कल्बी और तबीई इत्तेबा का तकाजा जितनी शिद्दत से आज हमें दरपेश है, उतनी शिद्दत से कम अज़ कम मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। तो ये वो तकाजा है कि ये अपनी, मतलब अपनी बिला मुजाहमत तस्लीम और अपनी बिला नक्स तामील का मुतालबा कर रहा है, मतलब इसमें कोई उजर नहीं। तो और उजर हो भी कैसे सकता है, उजर हुक्म की तामील में हो सकता है, उज़्र ताल्लुक की सदाकत में कोई उज़्र नहीं होता। यानी कोई ताल्लुक इस तरह नहीं माना जाएगा कि ये 90% सच्चा है 10% झूठा है। ये तो हो सकता है कि मेरी इताअत में ये रुख्सतें मुझे मिलें कि मैंने हुक्म की 90% तामील कर ली, 10% इताअत से माजूर रह गया, उसमें तो ये बात समझ में आती है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह के साथ मैं 90% मुखलिस हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेरा इखलास 85% का है, ये कैसे हो सकता है? तो इस वक्त हर आदमी को अपना ताल्लुक बिल्लाह, मतलूबा मेयार पर
पर या तो साबित करना है या फिर हमेशा का घाटा उठाना है। आज ताल्लुक मार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज अपने सबूत का तकाजा कर रहा है। इस तकाजे को पूरी तरह पूरा किए बगैर नजात नहीं है। तो इस अर्जेंसी को समझें और इसके मुताबिक एक दुरुस्त, मैं ये नहीं कह रहा कि दुरुस्त लाए अमल, बल्कि यूं कहना चाहिए, इससे मिलती जुलती बात है कि एक दुरुस्त पैशन पैदा करें। दुरुस्त पैशन, सही जज्बा और बिल्कुल सादिक जो है ना वो अज़्म वजूद पैदा करें कि या अल्लाह मैं तेरा हूँ, इस वबा का शिकार हो जाऊं तो भी तेरा हूं, इस वबा से बच जाऊं तो भी तेरा हूं। तो अब आप समझ रहे हैं ना कि वो फुला चीज को समझने के लिए फिजिक्स चाहिए, फुला चीज को जानने के लिए मैथमेटिक्स चाहिए, फुला बात को मफहूम करने के लिए साइकोलॉजी चाहिए वगैरह वगैरह। ये सब चीजें इस जिंदगी का मैदान अमल जो है, यानी इस दुनिया का जो दायरा है, उसमें पैदल चलने के लिए दुरुस्त है। ठीक है, इस चीज को समझना हो तो फिजिक्स पढ़ लो, उस चीज को समझना हो तो साइकोलॉजी पढ़ लो वगैरह वगैरह, लेकिन ये सब चीजों की फिजिक्स और साइकोलॉजी के मुसल्लमात की रोशनी में भी दुरुस्त तफहीम मेरा और आपका मकसद आखिर नहीं है। हमारा मकसद आखिर ये है कि अपने फॉलेबल फॉल्सिफाइबल इल्म से दुनियावी जिंदगी में अपने किए जाने वाले समझौतों से दुनियावी जिंदगी और दुनियावी ऑब्जेक्ट्स के साथ एक अपने गुमान के मुताबिक इफादियत की बुनियाद पर पैदा किए जाने वाले ताल्लुक में रहते हुए भी हम अल्लाह वाला होने की पोजीशन लिए रखें। ये जो है ना, ये मुतालबा जो नहायत नेचुरल मुतालबा है, मतलब ये सोच के बनाया हुआ तकाजा नहीं है, ये कुरान या दीन को फिलोसोफाइज कर लेने का नतीजा नहीं है, ये अल्लाह पर ईमान लाने का फितरी तकाजा है जिसे अनपढ़ आदमी भी महसूस कर सकता है, मलहूज रख सकता है, दुरुस्त अंदाज के साथ अपने अंदर कंटेन कर सकता है कि मुझे हर मेरा हर ताल्लुक हर शय से आरजी है, लेकिन मैं इन आरजी ताल्लुकात के तकाजे पूरा करते हुए अपनी अबदी और मुस्तकिल पोजीशन पर रहूंगा, और वो मेरी मुस्तकिल पोजीशन है मेरा अल्लाह वाला होना, मेरा अल्लाह का बंदा होना, मेरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना। तो जिसने भी अपनी इस पोजीशन को किसी जिंदगी की किसी भी सतह और दुनिया के किसी भी गोशे में कंप्रोमाइज किया, फरामोश किया, तो उसका उज्र नहीं सुना जाएगा, क्योंकि ये ताल्लुक बिल्लाह में बेवफाई है। ये कैसे हो सकता है कि मैं मस्जिद में अल्लाह वाला रहूं और बाजार में ये मास्क उतार के दुनिया का मास्क लगा लूं, ये कैसे हो सकता है? ये वो बुनियादी तरीन जिम्मेदारी है
जिसमें अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ कबूलियत पा लेने वाले तशख्खुस के साथ, अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाने वाली साबित कदमी के साथ अगर मैं रहूँ तो इस दुनिया में चाहे मैं कुर्सी को मेज समझूं, चाहे मेज को दरवाजा समझूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई इसके लिए कोशिश करें। कोशिश क्या करनी, ये तो फितरियात में से है ना। फितरियात में से कहते हैं, फितरी किसे कहते हैं, जैसे बीनाई आँख के लिए फितरी है, कोई इरादी वगैरह थोड़ी है, इक्तसाबी थोड़ी है, फितरी है। तो समाअत कान के लिए फितरी है, तो सुनेगा नहीं तो कान नहीं रहेगा, देखेगा नहीं तो आँख नहीं रहेगी। तो फितरियात में कोई मुजाहिदा और कोशिश थोड़ी होती है, कोशिश तो गैर फितरी अम्र को इख्तियार करने में होती है ना। तो ये तो फितरी है, मुसलमान होने का मतलब ही ये है कि मैं अपनी हर हर हैसियत में, मैं अपने हर हर उर्फ में, मैं अपनी अपने वजूद की हर हर सतह पर, मैं अपने शऊर के हर हर डोमेन में यकसा शिद्दत, यकसा कमिटमेंट के साथ अल्लाह वाला। कभी गौर करना, कभी दिल से सोचना, कभी सजदे में रोने की तलब करते हुए अल्लाह से ये ध्यान जमाना कि वहदते महबूब भी वहदते माबूद की तरह जरूरी है। बस फर्क ये है कि ये वहदत महबूब कसरत को कबूल कर लेती है अपनी मातहती में, वहदते माबूद कसरत को किसी भी उनवान से कबूल नहीं करती। तो अल्लाह की वहदते महबूबियत का तो ख्याल रखो, हर खौफ, दुनिया में कोई डर ऐसा नहीं है जो अल्लाह के महबूब होने की किसी नई शान का इजहार न करे। बस शर्त यह है कि मुझे आशिक होना चाहिए। कुछ भी इस दुनिया में नहीं हो सकता जो अल्लाह की मारिफत में, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की खशियत में तरक्की का यकीनी सबब न बने। जिस शख्स ने दुनिया और यहाँ की जिंदगी की इस इफादियत से मुंह मोड़ा, उसने गोया जन्नत से दस्तबरदारी की दरख्वास्त लिख के अल्लाह को भिजवा दिया। तो ये करें, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि ये नेचुरल है, बस एक मतलब सज्दे में चले जाएं, कहें कि या अल्लाह बस मैं तेरा हूं। ये जुमला बहुत बड़ा है लेकिन इसके अंदर छुपी हुई बड़ाई को चाहे मुझे ना दिया जाए, लेकिन इस जुमले में जो आपके साथ ताल्लुक में सदाकत का मुतालबा छुपा हुआ है उसे पूरा कर, या अल्लाह मैं कामिल नहीं बनना चाहता, या अल्लाह मैं आपके बंदों में बड़ा नहीं बनना चाहता,
लेकिन या अल्लाह सच्चा तो बनना चाहता हूँ। तो खैर ये मजमून ऐसा है कि हम तो इसे मुसलसल दोहराते रहते हैं और दोहराना भी चाहिए कि कहीं किसी वक्त किसी भी मौके पर किसी दिल को भी क्लिक कर जाए तो ये दोहराना मुफीद है। दूसरी बात यह है, ये भी अमली नौइयत की है और हद दर्जा काबिल अमल है इंशाल्लाह, बस अल्लाह हाथ पकड़ ले तो सभी चीजें बहुत आसान। खौफ में खुश रहना और यानी मारूफ खौफ में, क्योंकि ये फजा खौफ की मारूफ फजा है, स्टैंडर्ड फजा है, और इस खौफ को महसूस करने में भी बुराई नहीं है। तो जो आदमी खौफ में खुश रहता है कल्बी तमानियत के साथ और खुशी फैलाता है लोगों की ढारस बंधाने के लिए, लोगों को अल्लाह की रहमत से पुरुम्मीद रखने के लिए, वो आला दर्जे की क्या रूहानी हाल रखता है, आला दर्जे की रूहानी एक्टिविटी करता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब हम में से तकरीबन सभी लोगों को घर में रहना पड़ रहा है, अक्सरों को सारा वक्त और बाकियों को ज्यादा वक्त। तो घर में रहने से समझें कि अल्लाह तबारक व ताला ताल्लुक के उस मीनार की बुनियाद डालने का मौका दे रहा है जिस मीनार का कलस गोया अर्शे अजीम को लगता है, यानी जिस मीनार का की इंतहा ताल्लुक बिल्लाह है और इब्तिदा जो है वो अहले ताल्लुक के साथ खैरखाही और मोहब्बत का, हकीकी मोहब्बत की तश्कील करने वाले अनासिर की हैसियत से ख्याल रखना है। तो इसमें पूरी तरह कोशिश करें, बहुत से लोग होंगे जिनके बच्चे छोटे होंगे, बहुत से लोग हम में होंगे जिनके वालदैन ज़ईफ होंगे, बहुत से लोग ऐसे हम में होंगे जिनका जो कसीरुल अयाल होंगे या एक भरे पूरे कुंबे का के फर्द की हैसियत रखते होंगे। तो इस जो ये जो हाउस अरेस्ट ऐसी कैफियत है, इसको अपने लिए भी मुहर्रिके तमानियत बनाना और दूसरों के लिए भी खुश कर देने वाली उम्मीद का जरिया बनाना, ये बहुत कीमती बात है, बहुत जरूरी बात है। और इंशाल्लाह ये रवैया और ये तर्ज़े अमल और इस तरह की खुशियां फैलाने वाली सरगर्मियां अल्लाह की रहमत को अट्रैक्ट करेंगी,
और उसी तरह अट्रैक्ट करेंगी जिस तरह अल्लाह की खशियत अल्लाह की रहमत को अट्रैक्ट करती है, इसी तरह अल्लाह को मानने वालों का मसाइब के कल्ब में रहते हुए एक दूसरे की खुशी का एहतमाम करना अल्लाह को कशिश करता है। तो इसका बहुत ख्याल रखें। और अब मुझे याद नहीं रहा क्योंकि इस दौरान में कई नशस्तें लगातार हुई हैं तो याद नहीं रहा, लेकिन बहरहाल इस नशस्त में मुख्तलिफ लोग होते हैं तो बच्चों के साथ खेलें। ये जो मोबाइल वगैरह ये गैजेट्स जो हैं ये वैसे ही बहुत ही खौफनाक नतायज पैदा कर चुके हैं, तो अब इस दौर को इनसे नजात पाने और इनको कम से कम इस्तेमाल करने की तौफीक हासिल होने का जरिया बना लें। और बिल्कुल लोगों से बिल असालत मुतालिक रहें। बिल असालत समझते हैं ना कि बिल्कुल आई टू आई कांटेक्ट हो। तो बच्चों के साथ खेलें, वालदैन को खुश रखने की कोशिश करें। अपनी अपनी बेगमात को भी खुश रखें, मतलब जो भी आपके अहले ताल्लुक हैं उनको, उनके लिए खुशी का, तमानियत का, इत्मीनान का एक फंक्शनल इस्तियारा बन के रहिए। और ये करने में अगर कुछ नफली मसरूफियात में कमी भी आ जाए तो वो गोया एक बरतर शगल के लिए इन्हें छोड़ना होगा। तो ये जरूर करें। और बहुत ज्यादा जो वजीफे वजायफ और ये जो यानी घर वालों के साथ इज्तमाही वजीफे वजायफ वगैरह ये सब ना करें। और वैसे भी दुआ वगैरह में इज्तमाहियत बदज़ौकी है, तो इज्तमाही दुआ वगैरह क्या होती है? तो दुआ तो तन्हाई में होती है, आदमी को शर्म नहीं आएगी दूसरे के आगे रोते हुए। तो ये सब नहीं, दुआ करें, सब कुछ करें, लेकिन ये कि अल्लाह से लो तन्हाई में लगाएं और जलवत को खुशगवार रखें, ये मेरा मशवरा, जरा इसको अहमियत दीजिएगा। खलवत को आंसुओं से तर रखें, जलवत को मुस्कुराहटों से रोशन रखें। यही मुस्लिम जिंदगी है, यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदाम के का तर्ज़े ज़ीस्त है। तो ये कीजिए और जो होना है हो जाएगा। वो फिक्र आप, वो मेरे फिक्र करने की क्या जरूरत, मुझे तो एहतियातें करनी है जो बताई जा रही हैं, वो सब एहतियातें करनी है, जो होना है वो होगा, उसकी मुझे क्या फिक्र है। तो जो भी होना है अल्लाह के इज़्ज़त से वो मेरे लिए मुफीद आखिरत होना चाहिए और दुनिया में आफियत के साथ होना चाहिए। दुआ किया करो कि या अल्लाह मुझे दुनिया में मुस्तकिल आफियत के हाल और माहौल में रखना, समझ गया ना, मतलब मेरा बातिन भी बाआफियत हो और मेरा जिस्म मेरा नफ्स भी आफियत पर, आफियत ही के तजर्बे से गुजरता रहे मरने तक। तो बस जितना जिंदगी का तूल है उतना आखिरत आफियत का फैलाव हो। या अल्लाह आफियत में रखना और इस आफियत में जो जो आजमाइशें आनी हैं उनमें मुझे नाकाम ना होने देना। बस तो सब कुछ करते रहें, लेकिन ये कि ये दो चीजें बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा इसका। खलवत में दिल की खुराक आंसू होते हैं,
जलवत में रूह की गिजा मुस्कुराहट होती है।